हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शुभिका गुप्ता एंड ये आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली वीडियो है जिसमें हम यूनिट वन कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, व्हिच इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। सो वील स्टार्ट विद सम बेसिक एमसीक्यूज। सो द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो ब्रिटिश रूल के टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर इतना प्रॉस्पर कर नहीं पा रहा था, तो उसका रीजन क्या है? तो आपका आंसर होगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। आईईटी में हमें एक बात याद रखनी है कि डेट्स, ईयर्स, छोटे छोटे बॉक्सेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में यू कैन गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी वेयर एट एनी प्लेस इन योर एनसीईआरटी। तो ईयर्स हमें बहुत अच्छे से माइंड में रखने हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1921, 1850, 1872, 1881। तो आंसर होगा 1881। द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स और ऑल ऑफ द अबव। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज एन एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री, मतलब इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स थे वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किए जाते थे और उससे जो एक्सपेंसेस आते थे वो किस चीज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करते थे? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सारे कामों के लिए ही वो एक्सपोर्ट सरप्लस से आया हुआ पैसे या रेवेन्यू यूज किया जाता था। सो द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन। सो बेसिकली आपसे बैटल ऑफ प्लासी का ईयर पूछ रहे हैं, तो आंसर 1757। तो यू नो आई वुड रिकमेंड कि सीयूईटी के लिए स्पेसिफिकली आप एक टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर लें जहाँ पे ये सारी डेट्स, जैसे मैंने एमसीक्यूज में भी मेजॉरिटी डेट्स कवर करने का ट्राई किया है, सो यू कैन यू नो मेक अ टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि बैटल ऑफ प्लासी 1757, फर्स्ट सेंसस 1881। तो आप ऐसे सारे चैप्टर्स का करेंगे और हम भी कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बट स्टिल ये आप टाइमलाइन खुद से बनाएंगे, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडस्ट्री रिसीव्ड अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग कलोनियल रूल? सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर, हैंडीक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील। तो आंसर होगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वाई? क्योंकि ये इंडिया की एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, इसलिए इसे बहुत ही बुरी तरह से कलोनियल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेविली ड्यू टू विच रीजन आफ्टर पार्टीशन? पार्टीशन के बाद जूट इंडस्ट्री को इंडिया में क्या प्रॉब्लम फेस हुई? देयर वाज अ लैक ऑफ रॉ मटेरियल, फेमाइंस आ गए या फिर अर्थक्वेक आ गया या नन ऑफ द अबव। सो आंसर होगा लैक ऑफ रॉ मटेरियल। जूट इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी पार्टीशन के बाद। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू चाइना, ब्रिटेन, कोरिया और श्रीलंका। तो 50% से भी ज्यादा ट्रेड इंडिया कहाँ करता था? ऑफ कोर्स ब्रिटेन में। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन लेड टू? जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी उससे क्या प्रॉब्लम्स हुई? देयर वाज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। सो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनके हाथ से काम चला गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स इंडिया से एक्सपोर्ट करवा के ब्रिटिश मेड गुड्स इंपोर्ट करते थे जो इंडियन गुड्स से सस्ता होता था, इसलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसकी डिमांड एक तरह से कम हो गई मार्केट में। सो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर द मेजर टू रीजंस व्हिच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। सो बोथ ए एंड बी इज योर आंसर। व्हिच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? सिल्क, कॉटन, जूट, नायलॉन। जूट सबसे ज्यादा इफेक्टेड था ड्यू टू पार्टीशन। डैश वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग कलोनियल रूल। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे ही मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी ड्यूरिंग द कलोनियल रूल। द ओपनिंग ऑफ सुएस कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड ब्रिटेन, इंडिया एंड कोरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सुएस कैनाल एक वाटरवे ब्रिटिशर्स ने ओपन किया था, तो ये कौन सी टू कंट्रीज को कनेक्ट करता था इज बेसिकली व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। तो इंडिया एंड ब्रिटेन इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। अगेन एन ईयर बेस्ड क्वेश्चन। सो व्हिच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड?
तो आपका आंसर होगा 1921. डैश वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका आंसर आपको याद रखना है एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, नन ऑफ द अबव. सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था रेलवेज जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू. सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, साइज ऑफ वर्किंग फोर्स इन द कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री. तो सबसे अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन लग रही है वो आपका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन ए. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन. आज कितनी परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, कितनी परसेंटेज इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, क्या वैल्यू सर्विस सेक्टर में डिवोटेड है, तो ये एक तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है. विल नाउ मूव ऑन टू सम असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस. सो नंबर वन असर्शन, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज विद ब्रिटेन. रीजन, ओपनिंग ऑफ सुएस कैनाल रिड्यूस द फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. सो वेरी केयरफुली व्हेन वी रीड द असर्शन वी कैन सी दैट द असर्शन इज करेक्ट, क्योंकि 50% से भी ज्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही होता था. लेकिन रीजन गलत है. क्यों? क्योंकि सुएस कैनाल के ओपन होने से फॉरेन ट्रेड कम नहीं हुआ था, बल्कि फॉरेन ट्रेड इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बढ़ गया था. तो करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. देयर वाज अ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज को एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था. रीजन, इंडिया वॉज यूज एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल्स टू डेवलप ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लॉयट इंडियन इकोनॉमी. तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रीजन था वो हमें जो यहाँ रीजन गिवन है बहुत ही करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है. सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड R is the correct explanation for A. So TISCO was established in the year 1907. Reason, Suez Canal was opened in the year 1869. So dono hi statements apni apni jagah correct hai, but there is no connection as per between them. So both A and R are true, but R is the incorrect explanation for A. India became an exporter of primary products and importer of finished goods. As India became a supplier of raw materials to British industries and a buyer of British machine-made goods. Again, both the statements are correct and R is the correct explanation for A. India was considered a depleted economy. Reason, depleted economy is that economy which is geographically divided due to which it adversely got affected. तब assertion एकदम सही है कि India एक depleted economy थी, मतलब हमारे पास अपने खुद के resources बहुत कम थे. लेकिन reason गलत है, क्योंकि ये जो term है ना कि जो एक country geographically divided हो उसे depleted economy कहते हैं, नहीं. Depleted economy का ये मतलब नहीं होता. So A is true but R is false is your correct answer for this particular question. First official census of India was conducted in 1947. Reason, census conducted in India after every 10 years. तो यहाँ पे हमारा assertion गलत है. क्यों? क्योंकि first official census 1881 में conduct किया गया था. लेकिन reason एकदम ठीक है कि census हमेशा 10 years के बाद conduct किया जाता है, मतलब in every 10 years. So A is false but R is true. Colonialism refers to a situation in which one country is the ruler of another country. Okay, then reason, Britain was the colony of India. ठीक है, तो assertion तो एकदम correct है कि colonialism क्या होता है, एक country दूसरी country की ruler होती है. लेकिन reason गलत है. Britain India की colony नहीं था, India Britain की colony था. So A is true but R is false. There was a huge drain of wealth during British rule. Why? India was an export deficit country during the British rule. So, हमारा assertion बिल्कुल सही है कि इंडिया की जो वेल्थ थी उसका ब्रिटिशर्स ने मिसयूज किया, तो बहुत कम होती गई वो. लेकिन रीजन गलत है. इंडिया वॉज एन एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री. इंडिया से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किए जाते थे. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. असर्शन, मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल. रीजन, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मसलिन इज कॉल्ड मलमल. तो ये क्वेश्चन ना आपकी उस बुक के बॉक्स से उठाया गया है जो जिसकी हेडिंग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. सो असर्शन एकदम सही है कि मसलिन एक कॉटन टेक्सटाइल है जो बंगाल में बनाया गया है, और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मसलिन इज कॉल्ड मलमल. दोनों अपनी अपनी प्लेस पे सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. पोस्टल सर्विसेज इज मेनली यूज फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन बोथ ए एंड बी. तो पोस्टल सर्विसेज का मेन काम पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए होता था. फीमेल लिटरेसी रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज
तो ये परसेंटेजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो फीमेल लिटरेसी रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 7% था. श्रीलंका वॉज फॉर्मली नोन एज, मतलब श्रीलंका का पहले क्या नाम था? सिलोन, पर्शिया, अरेबिया, इंद्रप्रस्था. तो ऑप्शन ए, सिलोन वॉज द प्रायर नेम ऑफ श्रीलंका. डैश रिक्वायर्स द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज स्मूथली. तो ये इकोनॉमी में उस टर्म को क्या बोलते हैं जिससे हम लोग अपनी पब्लिक को सारी सर्विसेज स्मूथली प्रोवाइड करते हैं? सो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स फेवरेबली चेंज द स्टेटस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. सो वेरी क्लियरली असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कोई लिबरलाइज नहीं थी बल्कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट थी. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. इंडिया डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. रीजन, ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी विच एडवर्सली अफेक्टेड इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. वेरी क्लियरली असर्शन गलत है, क्योंकि देयर वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. रेलवे चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. It enabled the people to break geographical and cultural barriers and promoted commercialization of agriculture. So both the statements are correct and R is the correct explanation for A. Britishers came to India in the 12th century. Reason, the purpose of British rule was to convert India into a feeder economy and develop British economy. तो अगर हम ध्यान से देखें तो रीजन एकदम सही है, लेकिन assertion गलत है. ब्रिटिशर्स इंडिया में 12th सेंचुरी में नहीं आए थे, बल्कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन ले डाउन की गई थी. सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. देयर वाज स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो दोनों स्टेटमेंट सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हुई थी ब्रिटिश रूल के टाइम, क्योंकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. तो वो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में. So both A and R are true and R is the correct explanation for A. Suez Canal was a very important foreign trade route between India and Britain. It reduced the distance between India and Britain and Britishers now did not have to sail around Africa to reach India. So again, both A and R are true and R is the correct explanation for A. Reason बहुत अच्छे से justify कर रहा है कि Suez Canal क्यों important था. So option A is correct. First official census of India was conducted in the year 1881. Reason, the census is conducted after every 10 years. Now both the statements are correct, but R is not the correct explanation for A. There is no connection between the two statements. Next assertion, reason. Under the colonial rule, infrastructure such as railways, waterways, posts were developed. Reason, this was done to serve the needs of Indians. तो assertion बिल्कुल सही है कि railways, waterways, ये सब develop किया गया था British rule के time. लेकिन ये उन्होंने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए किया था, इंडियंस की सर्विस के लिए नहीं किया था. तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज. रोड्स वर बिल्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. रीजन, रोड्स हेल्प इन मोबिलाइजिंग द ब्रिटिश आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉ आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. क्योंकि ये रीजन जो है ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि रोड्स क्यों बनाई गई थी कॉलोनियल रूल के. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिकॉज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अफेक्टेड इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड हेंस फॉरेन ट्रेड. सो बेसिकली इंडिया एक रॉ मटेरियल से एक्सपोर्टर बन गया था और फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर बन गया था. क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने लगा दी थी, जिसकी वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत खराब हो गई थी और वो एक तरह से फिनिश गुड्स उन्हें ब्रिटेन से इम्पोर्ट करते पड़ते थे. So both A and R are true and R is the correct explanation for A. Which of the following is the main reason for introduction of telegraph? For maintaining law and order, for public communication, both A and B, none of the above. So aapka answer hoga for maintaining law and order. So remember, telegraph is for maintaining law and order and postal services for public communication. Isme confusion ho sakti hai, so be very clear with these two terms. The overall literacy rate during the British rule was 16%. India's foreign trade during the British rule was restricted to, aapka answer hoga, Britain, China, Ceylon, Persia. The share of workforce engaged in industrial sector was 15%, 70%, 85% or 10%. So industrial sector mein 10% log engaged the. The number of years a person is expected to live at the time of birth is called
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, फीमेल फीटिसाइड रेट, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। शेयर ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर बेसिकली टीचिंग जॉब, या फिर आप किसी के अंडर वर्क करते हो तो उसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। सो 10 to 15%, तो बहुत ही लो परसेंटेज था जो ऐसे लोगों का जो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में काम करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ कैश क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, प्रोडक्शन ऑफ जूट इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, कमर्शलाइजेशन मेड फार्मर्स रिच एंड प्रॉस्पेरस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन जिन्हें मार्केट में सेल किया जा सके। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, व्हिच इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज डोमिनेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर? तो ऐसी कौन सी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट थी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में डोमिनेंट थी? तो उसे हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। जहां सिर्फ 4 लोगों की नीड है, वहां 7 लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली वो 3 लोग तो कुछ इनपुट दे ही नहीं रहे उस वर्क में, तो उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि लोग एम्प्लॉयड भी हैं लेकिन रियलिटी में वो लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इकोनॉमी में। इन विच ईयर वाज रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1850, 53, 60, 1900। सो दिस इज वन क्वेश्चन विच आई वॉन्ट यू टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई चेक द आंसर्स। द शेयर ऑफ वर्क फोर्स एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर 70 to 75%। तो तीनों सेक्टर्स की परसेंटेज आपको याद रखनी है। मसलिन इज अ टाइप ऑफ डैश टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल। द मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन, फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन का क्या टर्म था? मलमल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया वॉज मोर कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, प्रमोशन एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी इन ब्रिटेन, बोथ, नन। अब इधर हमें ध्यान देना है कि बोथ ऑफ द अबव नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स वर नॉट कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दे वर ओनली कंसर्न्ड विद देयर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इस्को वॉज लॉन्च इन द ईयर 1907। टाटा एयरलाइंस 1932। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज ओनली 32 ईयर्स, और प्रेजेंट रेट भी हम ध्यान रखेंगे तो एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंडिया में 69 ईयर्स है। पहले 32 था, अब 69 है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज 218 per 1000। मतलब कि जितने 1000 इन्फेंट्स होते थे उसमें से 218 नहीं सर्वाइव कर पाते थे। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया was heavy import duty on finished goods from Britain, less export duty on Indian finished goods, heavy export duty on Indian finished goods, heavy export duty on raw materials from India to Britain. तो आपका आंसर होगा heavy export duty on Indian finished goods. India से जो finished goods उन लोगों को export करने होते थे उस पर heavy duty charge करते थे, जिस वजह से handicraft industry के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम हो गई। सो ऑप्शन सी आपका सही है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? सो इट वॉज बोरोड फ्रॉम द USSR। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्री इन टू हाउ मेनी पार्ट्स? 2, 3, 4, 5। सो देर वर 3 पार्ट्स इन विच द इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड, सो स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी एंड स्केड्यूल सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विच इज 3 schedules. Next, which of the following schedule consists of those industries that are exclusively owned by the state? Schedule B, Schedule C, Schedule A, or none of the above? So, आपका आंसर होगा Schedule A. Which of the following committee recognized the policy of small-scale industries to promote rural development? तो कौन सी ऐसी कमेटी थी जो small-scale industries की development पे focus करती थी? It was the Carve Committee. So the policy of import substitution can serve two objectives: saving of precious foreign exchange, achieving self-reliance, or both of the above. अब उस टाइम पे ना इंडिया में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन फॉलो होने लगा था, कि लोगों को इंकरेज किया जाता था कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, जो इंडिया में बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हम उनको ही बाय करें, परचेज करें। तो इससे क्या दो ऑब्जेक्टिव्स थे, कि फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा अगर ज्यादा पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, और हम लोग आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट भी बनेंगे।
तो बोथ ऑफ दी अबव इज योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग. इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स. द टू वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन विच टू स्टेट्स. तो कौन से टू स्टेट्स में इंडिया की वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी? तो आपका आंसर होगा कोलकाता एंड जमशेदपुर. इन विच ईयर वॉज द कार्वे कमिटी फॉर्म्ड विच रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो 1955 इसका ईयर था. तो ये ईयर हमें याद रखना है. जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स फेवर्ड विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया? सो जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स यू नो दे वांटेड अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी फॉर इंडिया वेयर यू नो द गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी इन दैट सेंस. डैश मीन्स सेटिंग अ मैक्सिमम लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग्स दैट कुड बी ओन्ड बाय अ पर्सन. इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड सीलिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक लिमिट थी कि इतनी ही जमीन, इतने ही एकड़ एक इंसान ओन कर सकता है, उतनी ही ओनरशिप उसे मिलेगी. हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? सो पीसी महालनोबिस इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर पूछ रहे हैं बेसिकली, लाइक यू नो रिलेटिव ईयर एग्जैक्ट नहीं, तो 1970 टू 1980 के बीच में, मिड 1970 टू मिड 1980 के बीच में ये लॉन्च हुआ था. लैंड रिफॉर्म मेजर्स वर सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स थे जहाँ पे ओनरशिप बदली गई थी लैंड होल्डिंग्स की, वो कौन से स्टेट्स में सक्सेसफुल था? तो केरला एंड वेस्ट बंगाल दो स्टेट्स थे जहाँ पे ये मेजर्स काफी सक्सेसफुल रहे. विच ऑफ द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान इज प्रेजेंट इन मोदीज गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत? तो आंसर होगा सेल्फ रिलायंस. मोदी गवर्नमेंट भी हमें सेल्फ रिलायंट होने के लिए इंस्पिरेशन देती है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर बेनिफिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो आंसर होगा राइस एंड व्हीट. व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप? प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में सेट हुई थी? 1950. अबॉलिशन ऑफ लैंड इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग आर अ पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ रिफॉर्म्स? तो ये सारे हमारे एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स हैं इन इंडिया. तो आपका आंसर होगा लैंड रिफॉर्म्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान? ग्रोथ, लैंड रिफॉर्म्स, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन. तो करेक्ट आंसर होगा लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स एक गोल में नहीं आता, ये बस एक सीरीज ऑफ टास्क था जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था. दिस इज नॉट अ गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यू नो वो इकोनॉमी होती है जो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है. इंडिया अडॉप्टेड विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? सो इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया जहाँ पे कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों की प्रेजेंस है, मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी डोमिनेंस है और पब्लिक सेक्टर का भी रोल है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च फ्रॉम अ पीरियड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट. तो आप याद कर लीजिए 1951 से 56 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था. टू प्रोटेक्ट द गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया द गवर्नमेंट अडॉप्टेड टैरिफ्स, कोटास, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. तो गवर्नमेंट ने टैरिफ्स और कोटा दोनों ही लगा दिए थे ताकि जो इंडिया में गुड्स बनते हैं उन्हें कॉम्पिटिशन से, यानी कि फॉरेन इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट किया जाए. डैश इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट. डैश रेफर्स टू टैक्सेस लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. तो टैक्सेस को बोलते हैं टैरिफ्स. इन विच ईयर इंडिया अडॉप्टेड द हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम? सो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम क्या था? बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट था जहाँ पे हाई क्वालिटी सीड्स यूज किए जाने लगे एग्रीकल्चर में. तो इसका आंसर होगा 1967. लैंड सीलिंग क्या होती है? Fix rural land holdings at existing level, fix land area for irrigation purpose, fix urban land holdings at existing level, fix the quantity or amount of land held by an individual. तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें हम quantity या फिर जो amount of land एक individual hold कर सकता है उसे fix कर देते थे. Which term refers to a change in the ownership of land holdings? इसे हम कहते हैं land reform. In which year was industrial policy resolution passed? IPR जो था, जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वो कौन से ईयर में पास हुआ था? 1956. वेरी इंपॉर्टेंट. चेंज इन सोशल आउटलुक इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान? तो 4 गोल्स थे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो सोशल आउटलुक में जो चेंज था, जहाँ पे हम लोग मेन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, वो मॉडर्नाइजेशन का पार्ट था. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान?
हमें याद रखना है कि दो टाइप के प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, एक शॉर्ट टर्म प्लान था और एक पर्सपेक्टिव प्लान था। पर्सपेक्टिव प्लान लंबा प्लान था, तो इसकी ड्यूरेशन क्या थी, 20। डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर वंस ओन यूज, ग्रीन रेवोल्यूशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मार्केटेड सरप्लस, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें फार्मर खुद ही क्रॉप ग्रो करता है और खुद ही उसे अपने पर्सनल यूज के लिए रखता है। हु यूज टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, चेयरपर्सन कौन होता था प्लानिंग कमीशन का, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, HYV का फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स व्हिच कंसर्न वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द इकोनॉमी। तो इंडस्ट्री से जहां कंसर्न होगा उसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहेंगे, ऑप्शन बी। नाउ मूविंग ऑन टू सम असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। असर्शन, मॉडर्नाइजेशन मींस अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन जेंडर इक्वालिटी एंड यूज ऑफ मशीन्स। तो मॉडर्नाइजेशन का जो डेफिनेशन एक तरह से दिया हुआ है वो एकदम सही है कि मॉडर्नाइजेशन में इंडिया ने फोकस किया था कि हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और सोशल वे को चेंज करेंगे, यानी कि मेन और वेमेन को इक्वल प्रायोरिटी देंगे। लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव हुई है, रिडक्शन नहीं हुई। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टैक्स इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। सो इस केस में ना इंडियन गवर्नमेंट उस पॉइंट पर चाहती थी कि इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटे छोटे एरियाज में अपनी प्रोडक्शन सेटअप करें, ताकि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए। तो अब हम रीजन भी पढ़ लेते हैं। रीजन, गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। गवर्नमेंट रिजर्व्स अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसे हम SSIB कहते हैं, provides tax concessions and loans at a lower rate. Reason, small scale industries require protection from big industries. So both A and R are true and R is the correct explanation for A. ये reason बहुत अच्छे से justify करता है कि small scale industries को बड़ी industries से protection चाहिए, इसलिए government ने कुछ products जो है वो SSI के लिए reserve किए हुए हैं। Option A is your correct answer. Policies related to land reforms and green revolution helped India become self-sufficient in food grains. The proportion of people dependent on agriculture did not decline. अब दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह सही है। ये लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जो प्रोपोर्शन था ना, जितने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे वो कम नहीं हुआ, इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। असर्शन, Indian farmers achieved the benefits of marketed surplus, which improved their financial condition. Reason, policies related to land reforms and green revolution helped India become self-sufficient in food grains. दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं कि इंडियन फार्मर्स को जो एक्स्ट्रा वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे मार्केट के लिए और सेल कर रहे थे, उन्हें उससे बहुत फायदा हुआ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई। और ये मार्केटेड सरप्लस बना किसकी वजह से, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। गवर्नमेंट इम्पोज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। लाइसेंसिंग हेल्प द गवर्नमेंट इन रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अगेन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट को एक कंट्रोल मिल जाता था इन इंडस्ट्रीज पे। So that's why both A and R are true and R is the correct explanation for A. Government introduced the policy of land ceiling, which means fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. Reason, it reduces the concentration of ownership in few hands. तो assertion भी ठीक है और reason भी उसे justify कर रहा है कि land ceiling policy इसलिए लाई गई ताकि जो एक rich लोगों के हाथ में बहुत सारा land होता है ना, वो कम हो जाए, few hands से सबके पास land आ पाए, वो कुछ ही एक सीमा में restricted ना हो। So both A and R are true and R is the correct explanation for A. There were five basic goals designed in the five-year plan. Reason, the planners have to ensure that the policies of the plans do not contradict the goals. तो assertion गलत है, जैसे हमने discuss किया कि पांच नहीं चार basic goals थे, growth, equity, modernization and self-reliance. और reason एकदम सही है कि planners को ensure करना था कि जो वो policies बना रहे हैं वो इन गोल्स के अगेंस्ट ना जाए, इन गोल्स की हेल्प करे, उन गोल्स को अचीव करने में मदद करे। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर IED यूनिट 1।
So please practice them and stay tuned for more such videos. Thank you.